इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला। तो हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला लिया है। तो अगर हम हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट लें, से पॉइंट है पी x1, y1, तो इस पॉइंट से हम हाइपरबोला में दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों टेंजेंट्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हम ए और बी मान लेते हैं। तो इन्हीं दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होगा उस कॉर्ड को हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हम कैपिटल टी इक्वल टू जीरो से निकालते हैं। तो हम इस हाइपरबोला को लिख सकते हैं x2 / a² - y² / b² - 1 = 0। इसको हम s मान लेते हैं, तो s इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमें हाइपरबोला मिल जाएगा। और अगर हमारे पास एक पॉइंट है पी x1, y1, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम t निकाल सकते हैं। t निकालने के लिए x² की जगह x * x1 करते हैं, y² की जगह y * y1 करते हैं, और कॉन्स्टेंट हम लिख देते हैं सेम टू सेम, तो हमें t मिल जाता है। और अगर t इक्वल टू जीरो कर दें तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिल जाता है। तो t इक्वल टू जीरो करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, और यही इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिल गया। तो इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है टू द गिवन हाइपरबोला। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालिए। तो हमें हाइपरबोला दिया हुआ है और इस हाइपरबोला में कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, और अगर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। इसको हम x1, y1 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और इसका इक्वेशन हम t इक्वल टू जीरो से निकाल सकते हैं। तो हमें हाइपरबोला दिया हुआ है x²-4y² - 4 = 0। इसको अगर हम s मान लें तो s इक्वल टू जीरो से हमें हाइपरबोला मिलेगा। तो जो पॉइंट अगर हमें निकालना है उसको हमने x1, y1 मान रखा है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम t निकाल सकते हैं। x² की जगह x * x1 कर दीजिए, y² की जगह y * y1 कर दीजिए, कॉन्स्टेंट हमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो हमें t मिल जाएगा। और अगर t इक्वल टू जीरो कर दें तो हमें कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो हमें t इक्वल टू जीरो करने के बाद ये इक्वेशन मिल जाएगा, और हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन दिया हुआ है, वो है x - 16y - 4 = 0। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के हैं, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अगर दो इक्वेशन आइडेंटिकल होते हैं तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म्स सारे प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों इक्वेशन के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1y1 - 4y1 - 16 = ratio, दैट इज -4/-4। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 = y1/4 = 1। तो यहाँ से 1 मिल गए। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें y1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, हमने पॉइंट कंसीडर किया था पी x1, y1, तो हो जाएगा 1, 4। तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, और यही हमारा आंसर है।